आज अपने विज्ञान की 6th वीडियो में आपसे मिल रहे हैं और अभी ये पाठ का अंतिम चरण है बिल्कुल। इसके बाद आपको पाठ के सारे प्रश्नों उत्तर करने हैं और मेरे द्वारा जो भी प्रश्न दिया गया है उसको भी नोट करना है। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ अन्य नशीले पदार्थ, जैसे कि हमने बहुत सारे नशीले पदार्थों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, अब अन्य नशीले पदार्थ जैसे कोडीन है, मार्फिन है, भांग, चरस, गांजा, LSD, इनके बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। आप नाम से इनके सबसे परिचित भी होंगे। LSD के बारे में पेपर में पूछा गया है, इसका पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल MID, इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम आपको जरूर याद रखना है। ये सभी मादक पदार्थ हैं। जितने भी मादक पदार्थ होते हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, हमारे मस्तिष्क तक सूचनाओं को लेकर नहीं जाते हैं, इसीलिए हमें सभी नशीले पदार्थों से बचना चाहिए। जब हमारा मस्तिष्क संतुलन में नहीं रहेगा तो फिर हम कोई भी गतिविधि को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। आजकल क्या है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी आ रही हैं मेडिकल में, दवाइयों के प्रयोग जो है वो बच्चे कर रहे हैं, युवा पीढ़ी कर रही है, जिसके कारण वो भी क्या कर रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं एक तरह से। जैसे कि बच्चे नशे के लिए थ्रीनर का उपयोग करते हैं। थ्रीनर आप जानते हैं एसीटोन होता है, और एसीटोन जो होता है उसको भी कुछ लोग इसको उपयोग करते हैं, उसको सूंघते हैं या उसको पीते भी हैं। पेट्रोल है, साल्वेट ऑयल है और आदि का प्रयोग क्या करते हैं लोग बाग नशे के रूप में करते हैं। गोंद है, गोंद आप सब जानते हैं, गोंद जैसे पदार्थों को भी खा जाते हैं। नेल पॉलिश है, रबड़ सीमेंट मार्कर, यानी रबड़ सीमेंट है, मार्कर है, गैसोलीन आदि का उपयोग भी नशे के रूप में किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले बिहार में जब शराब बैन हुई थी तो लोग बागों ने साबुन तक भी खाया था। तो इसीलिए हमको मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति नशे का आदि हो जाता है वो कितना नीचे तक जा सकता है और किन चीज़ों को नशे के रूप में सेवन कर सकता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस हानिकारक दौर से गुजर रही है। आप सब भी युवा पीढ़ी में हैं, आप सब भी युवा हैं, तो आप इस हानिकारक जो प्रभाव पड़ रहा है उससे बच कर रहें और इन प्रभाव से यानी दूर रहें और इन चीज़ों का सेवन ना करें। आजकल क्या खाद्य पदार्थों में बहुत मिलावट हो रही है, आजकल जीवन रक्षक दवाइयों में भी मिलावट की जा रही है। लोग बाग नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं जिसकी वजह से वो अधिक धन कमा सकें। कुछ स्वार्थी लोग ऐसे होते हैं जो अधिक धन कमाने के लालच में इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम तो ये सोचें कि दवाइयों से हम सही हो जाएंगे, लेकिन वही हानिकारक दवाइयाँ हमको जब नुकसान पहुँचाती है तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में। कोल्ड ड्रिंक्स, आजकल कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीने में ली जाती हैं। हम किसी के घर जब जाते हैं या कोई हमारे घर आता है सबसे पहले हम उसको कोल्ड ड्रिंक देते हैं। आज प्राचीन समय में पहले छाछ, दूध, दही पिलाया जाता था, अब कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ज़्यादा कराया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में देखो फास्फोरिक एसिड होता है, ये जो फास्फोरिक एसिड है इसमें लोहे को गलाने की क्षमता होती है, और जब हम इसको अपने मुँह में लेते हैं तो हमारे दांतों के लिए कितना हानिकारक होगा सोचने वाली बात है। बोरिक एसिड, एरिथोरबिक एसिड और बेंजोइल अम्ल इसमें मिलाए जाते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि हमारे छोटी आंत और पाचन तंत्र को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खट्टी डकारे आना और पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे भूख नहीं लगती है, पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों में मिलावट सभी में की जा रही है, जैसे कि लाल मिर्च में सीमेंट ईंट का चूरा मिला देते हैं, पपीते के बीज मिला रहे हैं काली मिर्च में, इसी प्रकार सारे खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है। हमारे भारत में 1954 में खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम बनाया गया था, जिससे खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं की जाती है। लेकिन जब उपभोक्ता ही जागरूक नहीं होगा तो दुकानदार या फिर कोई भी व्यक्ति इसमें मिलावट करेगा ताकि वो अधिक से अधिक लाभ कमा पाए। इसलिए सबसे पहले हमको जागरूक होना पड़ेगा ताकि हम इस प्रकार की मिलावट से बच सकें। आज का जो ये जो मैंने जो आपको सारा पढ़ाया है, इसमें मेरा पहला चैप्टर आज मेरी तरफ से क्लोज हो चुका है। आपको कुछ भी अगर समस्या हो तो आप मुझे बताएं, और मैंने मेरे तरफ से आज जो प्रश्न है वो खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए और खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए, और इस प्रश्न को आंसर आप ढंग से किताब में से लिखकर दें मुझे, और क्या बोलते हैं जो भी कोई समस्या हो उसे मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।